करने जा रहे हैं आपको अब तक की बड़ी और खास खबर अलवर से, जहां पर कुछ समय पहले एक मामला सामने आया था जहां पर अध्यापक पर छात्रा के द्वारा जो है अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते अध्यापक पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। और आज इस नए वर्ष के अवसर पर हाई कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा अध्यापक को दोष मुक्त कर बाइज्जत बरी कराया गया है, जो अध्यापकों के लिए एक बड़ा ही हर्ष का विषय है। और बता दें कि अक्सर राजस्थान में अभी जो है ये मामले ने ज्वलंत आग पकड़ रखी है, एक ज्वलंत मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, जहां पर शिक्षण संस्थानों में कहीं ना कहीं अपनी एक प्रतिस्पर्धा को लेकर आगे चल रहे हैं और शिक्षा नीति अपनाने की जगह कूटनीति अपना रहे हैं, राजनीति अपना रहे हैं, प्रतिस्पर्धा के चलते एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला अलवर का सामने आया था, जहां पर अध्यापक को उच्च न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर बाइज्जत बरी किया गया है। दिखाते हैं आपको हमारे आवाज न्यूज के संवाददाता भारत शर्मा की अध्यापक से कुछ विशेष बातचीत की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज चैनल। सच्ची अच्छी और धरातल से जुड़ी खबर के लिए आज हम पहुंचे हैं श्री श्याम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा सिख थाना गाजी। नववर्ष के पावन पर्व पर आज एक विशेष कवरेज के लिए हम आए हैं कि शाला में अध्यापकों द्वारा, अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा दी जाती है और संस्कारवान बनाया जाता है। अगली कड़ी में मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार हरियाली और खुशहाली का प्रतीक यह खेत भी दर्शाया जाए। और अब मैं सीधे शिक्षक महोदय से कार्यालय में जा कर के बात करना चाहूँगा। नमस्कार सर, आज हम आपके स्कूल प्रांगण में पहुँचे हैं। सर, उससे पहले तो नूतन वर्ष की आप सभी अध्यापक गणों को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आवाज़ न्यूज चैनल की तरफ से। विशेष आग्रह और निवेदन है, काफ़ी स्कूलों में शिकायत आती है, जैसे मांडण में आई या कहीं और भी आई, तथा कथित प्रतिस्पर्धा के कारण आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चलते कुछ लोग आरोप सिद्ध कर देते हैं, बाद में माननीय न्यायालय की तरफ से खंडन हो जाता है। तो गुड टच और स्पष्ट टच के बारे में मैं मैम से पूछना चाहूँगा। मैम, आप इन बच्चों को गुड टच के बारे में बताते हैं मैम? सर, गुड टच तो ऐसे होता है, एक बार मैं पुनः कैमरा मैन से कहूँगा कि मैम समझा रही हैं गुड टच बैड टच कैसे और क्या होता है। सर, गुड टच तो ये होता है और बैड टच जैसे ऐसे स्पष्ट करते हैं ना, वो होता है। देखो कितनी अच्छी और सुंदर बात बताई है मैम ने, यह सोचने और समझने की बात है पूरे देशवासियों के लिए। और मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ। हमारे पास शिक्षक महोदय भी बैठे हैं, आज की परिचर्चा में आज क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति को देखते हुए? सर, ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो बदले की भावनाएं जितनी भी हो रही हैं वो हमारी शिक्षा के लिए बहुत ही हानिकारक है और शिक्षा के माध्यम में अवरोधक है। एक बदले की भावना चाहिए कि संस्था को बदनाम करने की एक सोची समझी चाल है, जिससे कि आगे के लिए अवरुद्ध हो जाता है और शिक्षक बदनाम हो जाता है। भरा नहीं जो भावों से जिसके हृदय में बच्चों के प्रति प्यार नहीं। इसी शाला प्रांगण से दो बच्चे जूडो कराटो की टीम में हांगकांग पर भी अपना अच्छा प्रदर्शन करके पारितोषिक प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जो आरोप संकीर्ण मानसिकता के चलते इन अध्यापिकाओं पे, गुरुजनों पे लगे हैं, जो माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिए हैं, मन व्यथित है, मन दुखी है। ऐसा भूतों ने भविष्यति किसी के साथ नहीं हो, इनके साथ तो जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। इस उदाहरण के चलते ग्रामवासियों का प्रेम प्यार और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हुए बरी हो गए, लेकिन आवाज़ चैनल पुनः आपसे अनुरोध करता है कि पूरे देश में किसी में भी इसी संकीर्ण मानसिकता के चलते ऐसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करें। आवाज़ न्यूज़ चैनल के लिए भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट अलवर।